और महाराज जी तीसरा भाव ये भी है कि बहुत से ऐसे गुरु होते हैं अन्यथा नहीं मानना, किसी के निंदा के भाव से हम नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी को पीड़ा पहुंचाना भी हमारा भाव नहीं है और किसी के मन में पीड़ा हो तो हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। ऐसे गुरुओं की कलिकाल में कमी नहीं है जो जीवों को राम कृष्ण से विमुख बनाने वाले। हम नाम नहीं लेंगे, घटित घटना सुना रहे हैं। महाराज जी बैठे हैं दिल्ली में, यमुना विहार में, कई साल पुरानी बात है, तब हम खाक चौक में थे, उस समय की बात कथा भाई। तो एक ब्राह्मण देवता बड़े प्रेम से कथा सुनते थे, उनकी बड़ी प्रार्थना हुई कि नहीं हमारे यहाँ आप सब संतों के साथ एक दिन प्रसाद लीजिए। हमने कहा हम कहीं जाते आते हैं नहीं। उस संत जी ने जिनके माध्यम से कथा थी उन्होंने, अरे नहीं बड़े बहुत अच्छे आदमी हैं, यहाँ के सेवक हैं, आप जरूर। हमने कहा ठीक है भाई, महात्मा कह रहे हैं चले जाएं। हमने उनसे पूछा घर में ठाकुर जी हैं भोग लगता? बोले हाँ हाँ, हम लोग सब वैष्णव हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब पाना शुरू किया हमने कि पक्की रसोई बनाना, कच्ची तो हम पाएंगे नहीं, पक्की बनाना। वेद लक्षणा भारती, देसी गाय के घी की पूड़ी और हलवा साग और जो कुछ आपका मन हो, खीर भी बनाई, हलवा भी बनाया, पूड़ी साग भी थी। तो हमने पता नहीं क्यों ऐसा पूछते नहीं, दो तीन बार हमने पूछा भगवान को भोग लग गया? हाँ 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 लग गया लग गया। और जब हम लोग पाना शुरू कर दिए तब जूठे पत्तल पर उन्होंने तुलसी परोसना शुरू की। तो महाराज जी हमने क्या सोचा, गर्मी का समय था, हमने सोचा कि शायद पुदीना होगा, पुदीना होता ना तो हरी हरी वो तुलसी पुदीना जैसी लगी। तो हमने देखा, जैसे ही स्पर्श किया देखा तो तुलसी, अरे मन करी क्या क्या किया आपने, जूठे वस्तु में तुलसी जी पधरा दी। उन्होंने कहा कि जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक भोग कैसे लगेगा, भोग लगेगा तभी तो तुलसी जट पड़ेगी। अरे मैंने कहा हमको थोड़ी भोग लगता, भोग तो ठाकुर जी को लगता है, तुम कहते हम वैष्णव, ठाकुर जी कहाँ हैं तुम्हारे? भीतर गए तो उनके पूजा गृह में श्री राम कृष्ण नारायण की कोई छवि नहीं थी। एक महानुभाव बैठे थे चित्र के रूप में और उन्होंने कहा कि हमें तो गुरुजी ने बताया है कि कोई देवी देवता नहीं मानना, जो कुछ भी हैं गणपति सूर्य शिव देवी दुर्गा राम कृष्ण नारायण जो कुछ भी हैं वो गुरुजी हैं। और महाराज आप भी तो बोल रहे थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, दूसरे को मानने की जरूरत क्या है? मन में बहुत पीड़ा हुई। हमने कहा साधन आप क्या करते हैं? बोले जो उन्होंने मंत्र दिया उसका जप करते हैं और गुरु गीता का पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात। तब से नियम बनाया कि किसी के घर जाएं तो पहले उसके ठाकुर जी का दर्शन करें कि ठाकुर जी घर में वैष्णव पद्धति से सेवा है कि नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति, ऐसे बेचारे भोले भाले जीव ठगे जाते हैं, घर के ठाकुर जी निकाल के घूर पर पटकाते हैं, फेंक आते हैं, पीपल के नीचे रखाते हैं सालग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च तत्स्यान्न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। इसलिए हमारे यहाँ संतों ने कहा गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे।
इन करनी बिन गुरु न कहावे। इसलिए श्री हरि गुरु पद कमल भजहु, गुरु पद कमल भजहु, पर उन गुरु जी के पद कमलों को भजो जिनके जीवन में श्री हरि के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो श्री हरि के अनन्य दास हों, जो श्री हरि के अनन्य भक्त हों, ऐसे हरि भक्त वैष्णव सदगुरु के चरण कमलों का भजन करो भगवत भाव से। इसलिए ऐसे गुरुओं की निंदा मत करना, झगड़ा भी नहीं करना, पर ऐसे गुरु हों जो आपको भगवान से विमुख करते हों तो उनको हाथ जोड़ लेना। इसी विनय पत्रिका में लिखा है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितन भई मुदमंगलकारी, जाके प्रिय न राम वैदेही। हमारे महाराज जी कहते थे कि जब शुक्राचार्य जी ने कहा कि एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया कश्यपा दधतर जातो देवानां कार्य साधका, ये देवताओं का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही आए हैं, भागवत जी का अष्टम स्कंद का श्लोक है। तो हमारे महाराज जी कहते थे कि इतना श्रवण करते ही बलि के शरीर में सात्विक भाव प्रकट हो गए, बलि के हृदय में सात्विक भाव प्रकट हो गए, अश्रुकंप पुलक आदि सारे भाव प्रकट हो गए उनको, क्योंकि प्रहलाद जी के पोता हैं। तो शुक्राचार्य जी की समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा राजन क्या बात है। बोले भगवान अब तक तो केवल बटुक ब्राह्मण तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण मान कर देने में श्रद्धा थी, आपने अच्छा किया जो तत्व का ज्ञान करा दिया कि ये साक्षात भगवान श्री हरि हैं, विष्णु हैं, अब हमारा भाव करोड़ों गुना बढ़ गया है। तो अब आप चाहे कुछ भी कहो, चाहे जो समझाओ बुझाओ, अब हम भगवान से विमुक्त नहीं हो सकते। आपकी गुरुता आज सफल हो गई कि आपने भगवान का दर्शन करा दिया, ये भगवान है बता दिया, आपकी गुरुता पूर्ण हुई। पर आप अब ये कहते हैं कि भगवान से विमुख हो जाओ तो ये बात आपकी हम नहीं मानेंगे। बोले बड़ा पंडित बनता है, वो दिन भूल गया जब तू तेरा मस्तक इंद्र ने वज्र से अलग कर दिया था, मृत संजीवनी के प्रभाव से जीवित किया था, अब तुझे कितना ऐश्वर्य दिलाया, अब पंडितों जैसी बातें कर रहा है, जा मैं शाप देता हूँ, पदच्युत तो हो जा, श्रीहीन हो जा। बोले सब स्वीकार है, भगवान से विमुख होना स्वीकार है। गुरु तत्व की महिमा क्यों है, इसीलिए है कि वे जीवों को भगवत प्राप्ति का साधन बताते हैं, भगवान का भजन कराते हैं, भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी महिमा है। और अपने ही पूजा कराने लग जाए तो महिमा थोड़ी है। तो श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजि अभिमान। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी।